देश में जहां लगातार कोरोना महामारी का संकट फैला हुआ है, अलग अलग जगहों पर आप सैनिटाइजर मशीनें देख रहे हैं, कई जगह पर सैनिटाइजर डोम देखे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर ये मेरे पीछे जो सैनिटाइजर डोम है, ये कोरोना महामारी फैलने के कारण नहीं लगाया गया, बल्कि आज से 19 साल पहले लगाया गया है। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, ये पोल्ट्री फार्म का इलाका है, और जैसा कि जो है पशु पक्षी ज़्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है एक SOP तैयार की जाती है। जब फैक्ट्री खोला जाता है, पोल्ट्री फार्म खोला जाता है, तो यहाँ पर जो है पहले ही जो गाड़ियाँ यहाँ पर घुसती हैं, उन गाड़ियों को बाकायदा सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद जो आदमी यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें सैनिटाइज किया जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो सैनिटाइजर डोम है, ये किस तरह से काम करता है। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ बात करूँगी, ये बताइए कि ये जो सैनिटाइजर डोम है, ये आपने अभी नहीं लगवाया, ये बहुत पहले से लगा हुआ है, 20 साल पहले। तो क्या क्या प्रोसेस होती है और किस कारण से लगाया जाता है कि वायरस ना फैले? देखिए, ये पोल्ट्री का उद्योग है, पोल्ट्री में आपको सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बगैर बायोसिक्योरिटी के आप ये काम नहीं कर सकते। तो इन सब के लिए जो भी मटेरियल अंदर जा रहा है, गाड़ी हो या आदमी हो, आपको सैनिटेशन की प्रोसेस के थ्रू ही आपको अंदर रहना होता है। तो जैसे आप ये डोम देख रहे हैं, इसमें सैनिटाइजर मिलाया जाएगा, कोई भी एक डिसइंफेक्टेंट मिलाया जाएगा, और गाड़ी इसमें से पास होती है जो मटेरियल कैरी करती है, वो अंदर जाएगी, और बाकी जो डोमेस्टिक गाड़ी रहते हैं हम बाहर रखते हैं। सिर्फ हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ ही अंदर जाएगी, और इसके अलावा जो अंदर आदमी आते हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है। जो आदमी आते हैं, जो वर्कर हमारे जाते हैं, वो सबसे पहले अपने जूते चप्पल अलग करेंगे, यहाँ के स्लीपर उठाएंगे, और एक आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ, सामने वीडियो दिखाता हूँ, वो देखिएगा, वो भी एक सैनिटेशन डोम है। इसे अगर आप चालू करके दिखाएंगे तो अपन अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से जो है। एक आप अपनी गाड़ी ले आइए, जो है निकलती, मैं यहाँ पे कहूँगा ड्राइवर से कि अपनी गाड़ी जो है आगे से निकाले, और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर बाकायदा जो है गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं, और रुकने के बाद जो है पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर सैनिटाइज हो जाती हैं, और उसके बाद इन गाड़ियों को अंदर जाने दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पर, ये आज से नहीं है, बल्कि कोई भी पोल्ट्री फार्म खुलता है तो इस तरह की प्रोसेस जो है से उसे गुजरना पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरह का जो वायरस है, संक्रमण का खतरा है, वो यहाँ पर ना फैले। और शायद जो है यही कारण है कि जो लगातार सरकार ये कह रही है कि 20 तारीख के बाद कुछ उद्योगों को जो है राहत दी जाएगी, उद्योगों को खोला जाएगा, तो शायद इसी तरह की व्यवस्थाओं के साथ खोला जाए, ऐसी ही व्यवस्था। सरकार कह रही है कि उद्योग जो खुलेंगे तो अपने जो एंट्री गेट है वहाँ पे जो है सैनिटाइजर मशीन लगाए, डोम लगाए, उसके बाद जो है लोगों को बाकायदा जो है जो लोग हैं उन्हें मास्क दिया जाए, जो है उन्हें सैनिटाइजर दे, हाथों की जो व्यवस्थाएं हैं जब आ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था रहनी वाली है। ये ऐसी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि सैनिटेशन ये हमारा ज़रूरी पार्ट है। इसके बगैर हम घर में भी अगर सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो वहाँ पर भी कैरी कर जाएगा। तो जहाँ हम जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी स्वच्छ होके जाएँ, नहा वहाँ के जाएँ, और जहाँ वहाँ जाए तो वहाँ की स्लीपर या अलग हो, वहाँ कैप लगा के जाएँ, हाथ में ग्लव्स पहन के जाएँ। और ये जो सैनिटेशन डोम है, जो पोल्ट्री के लिए खासतौर से मतलब कंपलसरी है, उसका यूज़ करें। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे वर्कर कैसे सैनिटाइज होते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अब बिल्कुल, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो आगे की प्रोसेस होती है, कि जो लोग जो है फैक्ट्रियों के अंदर जाते हैं, पोल्ट्री फार्म के अंदर जाते हैं, वो जो है लोग कैसे सैनिटाइज होते हैं। पीछे आप देख रहे हैं, ये बाकायदा जो है जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सैनिटाइज होते आते हैं, सिस्टम से लगाया गया है यहाँ पर, और फॉगिंग सिस्टम के तहत यहाँ पर जो है लोगों को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद जो है अंदर एंट्री होती है। मतलब ये प्रोसेस जो है बहुत पहले से चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल जब कोरोना संक्रमण देश में फैला है तब ये स्थिति हो। पोल्ट्री फार्म में ये जो है बाकायदा SOP के तहत जो है जो गाड़ियाँ आती हैं, जो लोग अंदर एंट्री करते हैं, उन्हें बाकायदा पहले सैनिटाइज किया जाता है। और शायद इसी सिस्टम के तहत सरकार जो है जिन नए उद्योगों को खोलने जा रही है, जो फिलहाल जो है जनता कर्फ्यू के बाद से बंद हैं, वो फिर से अगर खुलेंगे तो सरकार का साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं की जाए, क्योंकि अंदर जाने वाली गाड़ियां, अंदर जाने वाले लोग जो है पूरी तरह से जो है स्वच्छ रह पाए, फिट रह पाए, किसी भी तरह का जो वायरस है वो अंदर ना फैल पाए। तो इस तरह की व्यवस्था, अच्छा बताइए कि ये जो व्यवस्थाएं होती, कितना लगभग खर्च आता होगा, और क्या इसमें ये जो आपने पीछे जो देखा है, मुश्किल से 30,000 रुपये का खर्चा आएगा, 30,000 रुपये ना। और जो डोम लगाया है, डोम का अगर स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे तो शायद 1,00,000 रुपये के आसपास में हो जाएगा। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये, और डेली की रूटीन में आप इसको खर्च जोड़ेंगे तो मुश्किल से
डेली का खर्चा 100-200 रुपए के आसपास ही आएगा। अच्छा, और लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, आपका एक तो बिजनेस सेफ हो गया क्योंकि लाइफ स्टॉक में आप डील कर रहे हैं, और दूसरा जो आपके वर्कर्स आ रहे हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि लोगों में भ्रामकता फैली हुई रहती है, मुर्गी फार्म में रहता है तो बहुत प्रदूषित रहता है, ऐसा रहता है वैसा रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि हमें हमारी जो मुर्गी है वो 1.5-2 किलो की रहती है, वो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्टेड होगी ना कि हमारे, तो वो अगर हमको हमारे बिजनेस में लॉस होगा तो हमारा धंधा करने का कोई मतलब नहीं, बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं। तो बिल्कुल इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर इस तरह से जो है तमाम जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो इस तरह से व्यवस्थाएं अगर करते हैं अपने फैक्ट्रियों में, तो काफी हद तक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज 24, रायपुर।